हम जानते हैं कि अंडर रूट में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। जैसे रूट फाइव हमारा इरेशनल हो गया, अंडर रूट थ्री इरेशनल हो गया, अंडर रूट टू इरेशनल हो गया, क्योंकि ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर है जो अंडर रूट में है। तो इसी तरह अंडर रूट में प्राइम नंबर जो इरेशनल होते हैं, इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे कि इरेशनल होते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ डेट रूट फाइव इज इरेशनल। अब रूट फाइव है, रूट फाइव हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट फाइव क्या हमारा ये प्राइम नंबर है। अब अंडर रूट में प्राइम नंबर आएगा तो ये इरेशनल होगा। अब इसका कैसे प्रूफ होता है, इसको हम आगे देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक चीज हम ध्यान देंगे, जितना भी प्राइम नंबर अंडर रूट में आता है वो सारा हमारा इरेशनल होता है, और सबके प्रूफ का मेथड सेम ही रहता है। यहां पे हम रूट फाइव का प्रूफ देखेंगे, लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हमें क्वेश्चन आ गया प्रूफ डेट रूट थ्री इज इरेशनल, प्रूफ डेट रूट टू इज रैशनल इरेशनल, प्रूफ डेट रूट सेवन इरेशनल, तो ये जितने इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अंडर रूट में प्राइम नंबर, सारे का सेम मेथड रहेगा। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए रूट फाइव को, हम प्रूफ करेंगे इसकी इरेशनलिटी को, उसके बाद इसी मेथड पे सेम इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसका उल्टा हम सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे, अपने से एजम्पशन करेंगे, हमें क्या रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि रूट फाइव हमारा रैशनल नंबर है। तो यहां पे हम एज्यूम कर लिए, मींस लेट कर लिए कि लेट रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। और हम जानते हैं कि कोई भी जो रैशनल नंबर रहता है, रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो रूट 5 को जब हम रैशनल नंबर सपोज कर लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं, तो फिर अगेन हम रूट 5 को a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन वाले नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। सो अगेन लेट रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पे एक चीज हम ध्यान देंगे, जो हमारा a और b नंबर होना चाहिए वह को प्राइम रहता है। ओके, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर से क्या होते हैं, को प्राइम से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक फैक्टर होता है और वह भी 1 होता है, यानी इनका सिर्फ एक फैक्टर रहेगा, 1 फैक्टर रहेगा और वह भी 1 रहेगा। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं 3 एंड 5, 3 एंड 5 में जो कॉमन फैक्टर है कितना हो रहा है, 1 है दोनों में कॉमन फैक्टर, और ओनली 1 है। तो ऐसे दो नंबर से जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है और वह भी कौन होता है, 1 होता है, ऐसे नंबर से हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम हमारे होते हैं। तो 3, 5 हमारे क्या है, को प्राइम है। उसके बाद जब हम जान लेट किए हैं रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, हम जानते हैं कि रूट फाइव का स्क्वायर 5 हो जाएगा, या ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम डायरेक्टली आर करके लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम चाहेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये भी लिख देंगे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा, मीन्स हम ट्रांसफर किए हैं, 5b² इज इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर आया। अगर यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू दिस इंप्लाइज हमें कितनी मिल सकती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 5 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है, इंटू में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं जो ए स्क्वायर है 5 से क्या है, डिविजिबल है, यानी ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देर फॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी, मीन्स वह नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड रहेगा। जैसे यहाँ ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है, ये थ्योरम होती है, तो ए भी 5 से मस्ट भी डिवाइड होना चाहिए। तो उसी थ्योरम से हम लिख सकते हैं देयर फॉर ए स्क्वायर डिवाइड बाई डिविजिबल बाई 5 है एंड सो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। अब इतना हम लेट कर लिए। अब हम जानते हैं कि हमारा A क्या, जब 5 से डिविजिबल है तो A को जब भी हम कोई नंबर लेट करेंगे तो 5 लेके लेट करेंगे, तो लेट A इज इक्वल टू 5 के। यहां 5 से कैसे आया, क्योंकि जो हमारा A नंबर है, A जो है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है, ऊपर ये प्रूफ हो चुका है, तो इसीलिए हम A को यहां पे लेट करेंगे, 5 के लेट करेंगे। के हमारा कोई भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो A इज इक्वल टू 5 के लेट कर लिए। अब यही जो हम लेट किए A इज इक्वल टू 5 के, इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। अब यहां हम देख रहे हैं क्या, A इज इक्वल टू 5 के, a की वैल्यू 5 के, और यहां पे हम क्या लेट किए, 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर, जो लेट किए तो स्क्वायर करने के बाद इतना मिला है हमें 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5b² है 5b, अब a की जगह 5 के हम पुट कर देंगे, तो यहां 5 के हम पुट कर दें, यहां स्क्वायर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5b² है, यहां 5b² है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड के स्क्वायर है, यहां पे के स्क्वायर है। अब यहां से हम देख रहे हैं 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो सो b²
स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर अपन 5 मिलेगा, यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 के स्क्वायर मिलेगा, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहेंगे के स्क्वायर की, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज आर करके, के स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन 5। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 इंटू में जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं सिमिलरली, जैसे यहाँ ए स्क्वायर अपन 5 आया था तो ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था, तो सिमिलरली यहाँ बी स्क्वायर अपन 5 आ गया तो बी स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं दिस मीन्स डैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा, यानी उसका स्क्वायर रूट भी 5 से डिविजिबल होगा। तो सो वी कैन राइट वेन बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड हेंस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, बी इज डिविजिबल बाई 5, बी भी डिविजिबल 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहां से हम देख रहे हैं ए हमारा क्या है, 5 से डिविजिबल है, ऊपर प्रूफ हो चुका है कि ए इज 5 से डिविजिबल है, यानी कि ए में 5 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली हम देख रहे हैं बी भी क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए और बी जब दोनों 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 होगा, क्योंकि दोनों 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी कि 5 ए और बी का कॉमन फैक्टर हुआ। लेकिन अब यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं ए एंड बी हमारे क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम जो नंबर होते हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है और 1 होता है। लेकिन यहां पे कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो रहा है। अब गलत कहां से ही हो रहा है, कहां से रॉन्ग हो रहा है, जो हम अजम्पशन किए थे, जो हम लेट किए थे, वहीं से गलती कर ली है, क्योंकि a अपॉन b को हम लेट किए थे, यानी कि a अपॉन b हमें नहीं लेट करना चाहिए था। तो वही चीज हम आगे लिखेंगे, इतना जब लिख दिए कि b इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर a एंड b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल है तो दोनों 5 कॉमन फैक्टर रखेंगे। एंड दिस इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब उसका अपोज कर रहा है, कॉन्ट्रेडिक्शन टू द फैक्ट डेट ए एंड बी आर को प्राइम। लेकिन हम लेट कहें कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और बी के कॉमन फैक्टर 5 है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, क्योंकि को प्राइम वह नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक फैक्टर होता है, वह भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों का फैक्टर 5 यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्शन है, मीन्स अपोज कर रहे दोनों। दिस एंड दिस इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन टू द फैक्ट डेट ए एंड बी आर को प्राइम, हेंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी, क्योंकि जो हम यहाँ पे ए अपॉन बी लेट किए यहीं से हमारी वो गलत आ रहा है। सर अगर हम ए अपॉन बी नहीं लेट करते तो हमारा नहीं आता, तो वही कह रहे कि ए अपॉन बी के फॉर्म में हम रूट 5 को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, मीन्स ए अपॉन बी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है तो हमारे रैशनल नहीं होते, इरेशनल होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो रूट 5 इज इरेशनल, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे एक चीज हम ध्यान देंगे, सबसे पहले रूट में जो भी हमारा प्राइम नंबर रहेगा उसे रैशनल लेट कर लेंगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन साइड वगैरह बोथ साइड करके यहाँ पे हम देखेंगे रूट 5 था, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब किए थे तो 5 बी स्क्वायर आया था इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड सो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे जब हम आ जाएगा ए इज डिविजिबल बाई 5, अब यहाँ पे अगर रूट 3 रहेगा तो यहाँ पे आएगा ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, अगर यहाँ पे रूट 2 रहेगा तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे आएगा ए इज डिविजिबल बाई 2, अगर यहाँ 11 रहेगा तो a is also divisible by 11 आएगा, यानी जो भी हमारा अंडर रूट में प्राइम नंबर रहेगा उसी से a डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही हम लेट करेंगे a को, तो अगर यहाँ पे हम रूट 2 लिए रहेंगे तो यहाँ पे हम 2 के लेट करेंगे, क्योंकि a 2 से तब जो है 2 a का फैक्टर होगा, तो इसीलिए हम 2 के लेट करेंगे। अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 हम लेंगे तो यहाँ पे a is equal to 3 के लेट करेंगे, अगर अंडर रूट हम 11 लेंगे तो a is equal to 11 के लेंगे, यानी जो भी हम प्राइम नंबर यहाँ पे अंडर रूट में लेंगे ए जो है उसी का फैक्टर करके हम लेंगे। और सिमिलरली इसी मेथड से सारे अंडर रूट में प्राइम नंबर को वी कैन प्रूफ।